श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफताब कितना बेरहम है उसका एक और सबूत सामने आया है। श्रद्धा का व्हाट्सएप चैट सामने आया है जिसमें श्रद्धा ने चैट में पिटाई का जिक्र किया है। चैट में श्रद्धा की तरफ से लिखा गया है कि मैं चाहूंगी आफताब चला जाए। इस चैट में पिटाई का जिक्र है और श्रद्धा ने यह भी कहा है कि अब मुझमें एनर्जी नहीं बची है। दावा किया गया कि यह चैटिंग श्रद्धा और उसके मैनेजर के बीच 2020 में हुई थी। श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफताब की बेरहमी का एक और सबूत इस व्हाट्सएप चैट में सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ये व्हाट्सएप चैट श्रद्धा और उसके मैनेजर के बीच है जिसमें श्रद्धा ने लिखा कि मेरी हालत आज बहुत खराब है, कल रात की चोटों की वजह से मेरा बीपी लो है और मेरी हालत बिस्तर से उठने लायक भी नहीं है और मुझे किसी भी तरह से उसे घर से बाहर भेजना होगा, तुम्हें मेरी वजह से जो परेशानी हुई उसके लिए माफ करना। इस व्हाट्सएप चैट से साफ है कि साथ रहने के दौरान आफताब श्रद्धा को टॉर्चर करता था, उसको चोट पहुंचाता था, उसके साथ दरिंदगी करता था। श्रद्धा और उसके मैनेजर के बीच ये व्हाट्सएप चैट साल 2020 का बताया जा रहा है। इस दौरान दोनों मुंबई के पास वसई में एक साथ रहते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिटाई के बाद श्रद्धा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस का दावा है कि आरोपी आफताब ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आफताब के साथ इस वारदात का रिक्रिएशन करने के बाद यह दावा किया जिसके लिए आरोपी आफताब को लेकर पुलिस उसके महरौली वाले फ्लैट में आधी रात को पहुंची ताकि सुरक्षा कारणों से वहां कोई हंगामा ना हो और पुलिस अपना काम आसानी से कर ले। बताया गया कि आफताब से घटना का रिक्रिएशन करवाया गया, यानी उसने कैसे श्रद्धा की हत्या की और फिर उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने क्या क्या किया। खबर है कि पुलिस ने पूरी तफ्तीश के साथ उस फ्लैट में ये जांच की ताकि उसे सच का पता चल सके, क्योंकि कहा जा रहा है कि आफताब की कोशिश शुरू से इस मामले में पुलिस को गुमराह करने की है। उसने पहले तो ये कहा था कि श्रद्धा के शव के उसने 35 टुकड़े किए थे, लेकिन बाद में वो अपनी बात से मुकर गया और उसने 20 टुकड़े वाली नई कहानी बताई। इसी वजह से पुलिस जल्द से जल्द उससे सारे राज उगलवाना चाहती है। इस बीच साकेत कोर्ट ने रोहिणी में मौजूद फोरेंसिक लैब को आफताब का नार्को टेस्ट 5 दिन के अंदर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने ये साफ कर दिया कि इस दौरान आफताब पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल न किया जाए। श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो इस मामले में किसी एक थ्योरी पर काम नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि उसने महरौली इलाके में जंगल से कुछ हड्डियां बरामद की हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। और इसके अलावा भी इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। इसी वजह से पुलिस फिलहाल किसी एक थ्योरी पर नहीं टिकी है। खबर है कि जो हड्डियां बरामद की गई थी उनकी जांच के साथ ही श्रद्धा के पिता के डीएनए के लिए उनका ब्लड सैंपल भी लिया गया है। वहीं महरौली के छतरपुर वाले फ्लैट में एफएसएल की टीम ने अपनी जांच की है जिसके सैंपल फोरेंसिक लैब में भेज दिए गए हैं। बताया गया कि श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश के लिए कई टीमों को लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के पास ये मामला 9 नवंबर को आया था जब मुंबई पुलिस की एक टीम ने महरौली थाने से संपर्क किया था। कहा गया कि मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के अचानक गायब होने की बात बताई और उसे आफताब के बारे में भी जानकारी दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के अपहरण का केस दर्ज कर इस मामले की जाँच शुरू की थी।